हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग कॉलोनी में जितने भी अवैध रूप से अधिग्रहण किए हुए घर थे और दुकान थे, उन तमाम घरों को खाली कराया जा रहा है और सील कराया जा रहा है। ये प्रक्रिया कल शुरू हुई थी और आज भी इसे जारी रखा गया। आज भी कई घरों को सील किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इन तमाम लोगों को नोटिस भी दी गई थी, जिसके बाद से ये प्रक्रिया लगातार जारी रही। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र थे, कई ऐसे घर थे जहाँ पर इन लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आपको हम बता दें कि आज दूसरा दिन है जब ये अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की अगर स्थिति उत्पन्न होती है, अगर आक्रमण करने की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में बचाव के लिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम सीधा बातचीत करते हैं हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा आज यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से अभियान चलाया जा रहा है, कई घरों को सील किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को? हाउसिंग बोर्ड के द्वारा सरासर गलत किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड का बायलॉज है, कि आप इस घर में ना ही कीटा जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, ये यहाँ का नियम था। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही है जो कि हाउसिंग बोर्ड ने ही लिख के एनओसी उसको दिया कि आप बना सकते हैं, जो कि अपने बायलॉज का खुद उल्लंघन कर रहा है। और जो ज़मीन इन्होंने एक्वायर किया वो 65 एकड़ ज़मीन था, 64 एकड़ ज़मीन था इनको जो एक्वायर किए थे। 64 एकड़ ज़मीन में इनके पास उसका कागज़ नहीं है। बहुत सारा प्लॉट कोई लोगों ने रिलीज़ किया था जिसका भुगतान नहीं किया गया। अब इनका कहना है कि हम एक्वायर किए हैं और जो भू अधिग्रहण विभाग के द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया, तो भुगतान नहीं किया गया तो ऑटोमेटिक प्लॉट को हाउसिंग बोर्ड छोड़ दिया। लेकिन अब ये जबरदस्ती का सरकार का आदेश कोर्ट का बहाना दे क्या उसको जबरदस्ती खाली करवा रहे सबको? हम लोग को कि बोला कुछ नहीं सुनवाई है, सील मारा जाएगा। एक थोड़ा बोले जी यहाँ पर छोड़ दो हम रहेंगे, वो नहीं। तो अभी क्या करने वाले आप लोग? हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, कहाँ पर रहने का जगह देगा ना क्या करेगा, वही पूछने जा रहे हैं। देखिए मैडम, इसमें तो विरोध तो होता ही है, जन विरोध का सामना करना ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं हमें भी जन विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन कार्रवाई है वो रुकेगी नहीं? नहीं, कार्रवाई तो भाई हम लोग को सुप्रीम कोर्ट हमारे, हाई कोर्ट हमारे जो है उनको मानना सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनके आदेश के आलोक में हम लोग काम। कल हाउसिंग कॉलोनी में जो करके रह रहे हैं उन लोगों का एक आरोप भी था कि जो चिट्ठी जो उनको दिया गया है, जो नोटिस दिया गया है, उसमें किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पत्रांक संख्या है। इतना ही नहीं है, उनको चिट्ठी देने के बाद उनसे कहा गया कि 1,00,000 रुपये लेकर ऑफिस आ जाए अगर ये कार्रवाई। सब बेबुनियाद बातें हैं, इस बात पर मेरा मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। झूठ बेनगर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड लगातार जितने भी अतिक्रमण किए हुए घर हैं उन तमाम घरों को सील कर रहा है, लोगों को लगातार वार्निंग दी जा रही है। हालांकि अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो लगातार लोगों का कहना है कि उन्हें इसके पहले कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, नोटिस बस चिपका दिया गया है जिसमें किसी भी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि इन लोगों के घर को सील करने के बाद इन्हें कोई भी पेपर या नोटिस नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये हाईकोर्ट में आगे पिटीशन नहीं फाइल कर पा रहे क्योंकि इनके पास कोई कागज़ नहीं है, जिसे लेकर अभी ये पूरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये लोग सभी अभी हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस जाकर वहाँ पर कागजात की मांग करेंगे। अब देखते हैं कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो आखिर क्यों कागजी तौर पर ये लोग अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हालांकि जितने भी लोग हैं इन लोगों का कहना है कि अपने पूर्वजों के वक्त से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, ये इनकी ज़मीन है। दोनों पक्ष अपने अपने दलील देने में अभी भी लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिन लोगों को बेघर किया गया है इस मानसून के समय में, अगर बारिश हो जाती है तो शायद इनके पास अपने सर को छुपाने के लिए छत भी ना हो। ऐसे में ज़रूरत है कि एक सही निर्णय लिया जाए और सोच समझकर इन दोनों पक्षों की बातों को समझकर ही कोई सही फैसला लिया जाए। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।